विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच खरगोन के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन और 51 कुंडी यज्ञ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन आहुति डालकर खरगोन जिले की सभी 6 सीटों पर जीत का परचम लहराने की आहुति डालेंगे। बताया जा रहा है कि पिछली बार सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, ऐसे में इस बार भाजपा की नीतियों को लेकर खरगोन जिले में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के खोखले दावों की पोल खुल चुकी है और एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। देखो, ये यज्ञ है, ये अपने भारतीय सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। यज्ञ से ये सारे विश्व का कल्याण होता है। हम भी सारे सारे समाज के, देश के, दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि समाज में आनंद रहे, खुशी रहे, समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, इसलिए ये हमारा यज्ञ कर रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आगामी रणनीति क्या होगी? रणनीति चुनाव जितने की होगी बस एक ही है। पिछले बार जैसे विधानसभा चुनाव में जैसे अपनी हार का सामना करना पड़ा था, तो उसको लेके मतलब आगामी समय में आप क्या? देखिए, पिछले बार हमें हारने का कारण था कि कांग्रेस ने जो झूठी घोषणाएं की थी, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, शिक्षित बेरोजगार को 4,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे, विधवा, निराश्रित, विकलांग, ये इस कैटेगरी के लोगों को जिनको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन के हितग्राहियों को 1,000 रुपये पेंशन देंगे, और स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों को 5 रुपये लीटर दूध पर बोनस देंगे, और ऐसी इतनी घोषणाएं कर दी कि उसके कारण कुछ लोग हमारे, क्योंकि किसान हमारा मतदाता है, वो बहुत सारा इसके भ्रम जाल में आ गया और उसके कारण से कुछ वोट हमारा कम हो गया, वही हमारा हार का कारण था। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं है, न तो किसान का कर्जा माफ किया, न किसी बेरोजगार को फूटी कौड़ी दी, न सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई कर्जा माफ किया, अब पेंशन, अब देखिए कितना, अभी वो पहले जो पेंशन के हितग्राही तो बहुत कम होते थे, उनको 300 रुपये पहले मिलती थी, इन्होंने 1,000 रुपये देने की बात की थी, वो 1,000 रुपये नहीं दिए, और अब वो सब लोगों कह रहे हैं, महिलाओं कह रहे हैं हम 1,500 रुपये देंगे। अरे भाई, तुमने 300 के 1,000 बोले तो कुछ लोग थे उसमें हितग्राही, उनको नहीं दे पाए, तो अब तो सारी सारी महिलाएं आ गई है उसमें, तो कहाँ से देंगे? इसलिए ये सब लोग है ना, अब समझ गए कि कांग्रेस निराधार घोषणाएं करती रहती है, बाकी करती है घोषणाएं करती है, करती कुछ नहीं, तो इसलिए अब जनता इनके चक्कर में आने वाली नहीं है, और इसलिए हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस बार क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर विधानसभा सीट के बाद इस बार जीतेंगे ना, बड़ा हमारे मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे हमने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है उसी का, वही हमारा मुद्दा है, हमने जो किया है वही कह रहे हैं और आगे भी जो कहेंगे वही करेंगे, तो इसलिए ये जनता का विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर और शिवराज जी के ऊपर, जनता का अटूट विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और यही विश्वास आधार बनेगा हमारे जीत का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।